आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। लूट करने एवं डरा धमकाकर पैसा मांग करने वाले फरार आरोपी को अकलतरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी असीम सिंह उम्र 31 साल निवासी तारोद थाना अकलतरा। आरोपी असीम सिंह द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर लूट किए थे 20,000 रुपए। आरोपी द्वारा CCI कंपनी अकलतरा मशीनों के डिसमेंटल में काम करने वाले को जान से मारने की धमकी देकर गुंडा टैक्स पैसा मांग किया गया था। आरोपी द्वारा घटना घटित कर हो गया था फरार। आरोपी को डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव से किया गया गिरफ्तार। आरोपी असीम सिंह को थाना अकलतरा के गुंडा बदमाश की सूची में भी नाम लाया जा रहा है। प्रकरण के अन्य आरोपी घटना कारित कर फरार है, जिसकी पतेसाजी जारी है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी अमित कुमार सिंह CCI अकलतरा दिनांक 27/6/2023 को अकलतरा होटल में थे। तभी आरोपी असीम सिंह एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा प्राइवेट लेगान कंपनी कलकत्ता के विकास पांडे को जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट कर 20,000 रुपए एवं आधार कार्ड पैन कार्ड को लूट कर मारपीट की, जिसकी सूचना पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 331/2023 धारा 394/34 का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार प्रार्थी चंद्रजीत यादव उम्र 37 साल निवासी बारीगांव थाना बरसेठी जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश CCI अकलतरा को आरोपी असीम सिंह के द्वारा CCI अकलतरा में काम करने वाले गुंडे टैक्स देने के बदले पैसे की मांग करना, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट पर आरोपी असीम सिंह एवं अन्य के विरुद्ध थाना अकलतरा में दिनांक 30/6/2023 को अपराध क्रमांक 335/2023 धारा 384/506/34 कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी द्वारा घटना घटित कर सुकूनत से फरार था। मामले की गंभीरता को आरोपी की लगातार पतेसाजी की जा रही थी। मुखबिर सूचना मिली कि आरोपी असीम सिंह उम्र 31 साल निवासी तारोद थाना अकलतरा जो डोंगरगढ़ राजनांदगांव में छिपा है, जिसकी सूचना पर तत्काल टीम रवाना हुई और आरोपी को घेराबंद कर पकड़कर हिरासत में लिया। घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना घटित करना स्वीकार किया तथा लूट की रकम 10,630 रुपए को बरामद किया गया। आरोपी असीम सिंह उम्र 31 साल निवासी तारोद थाना अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा सादर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 9/8/2023 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे।